नमस्कार। राजधानी रायपुर में फिर एक बार चाकूबाजी की घटना हुई है। घर के सामने चौक में बैठकर हंसी मजाक करने को लेकर हुआ विवाद, जिसके बाद चाकू चढ़ गई। पूरा मामला है रायपुर के मोमिन पारा का, जहां रविवार रात 10:30 बजे फरहान रजा, सलमान हैदर और उसके साथी मोमिन पारा के चौक में बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। सामने तुषार पंडित का घर है। तुषार आया और फरहान रजा को बोला, रात के समय ऐसे मत बैठा करो, मेरा सामने घर है। जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हो गया और मारपीट हो गई और फरहान रजा ने अपने पास से चाकू निकाला और तुषार पर चाकू से हमला कर दिया। तुषार चिल्लाने लगा। ये देख बीच बचाव करने तुषार के पिता बीच में आ गए, जिसके बाद फरहान ने तुषार के पिता को एक मुक्का मारकर दाढ़ तोड़ डाला, जिसके बाद पीड़ित बाप बेटा वहां से जैसे तैसे भाग गए और आजाद चौक थाना पहुंच थाने में शिकायत दी। ये जो देर रात तक ग्रुप में लोग मोहल्लों में बैठकर नशाखोरी करते हैं, ये सब बिल्कुल सही नहीं है। आम शरीफ परिवार कब तक इस प्रकार के खौफ में जिएगा? ऐसे मन चले आवारा लोगों को कुछ बोल दो तो मारपीट चाकूबाजी करेंगे। रायपुर पुलिस को ऐसे मन चले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और मोहल्ले में देर रात तक लोगों के घरों के सामने बैठना बंद हो। हर किसी को ऐसी हरकतें पसंद नहीं है। आप सभी की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।